जी तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का बज रहा है अभी 4 और मैं आपका भाई निकल चुका है अभी ब्लॉगिंग के लिए। सो आज आपका भाई जर्नी करने वाला है ट्रेन नंबर 33815 सियालदह टू बनगांव लोकल, जिसकी टोटल डिस्टेंस होने वाली है 70 किलोमीटर और लगभग 2 घंटा का समय लेगी सियालदह से बनगांव जाते हुए। ये ट्रेन हमें बनगांव पहुंचाएगी, लगभग 2 घंटा का समय लेगी। अगर बात की जाए इसके फेयर की तो सियालदह से लेके बनगांव तक की इसकी टोटल फेयर 20 रुपीज़ है। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ दमदम स्टेशन पे और मैं यहीं से ट्रेन में बोर्ड करने वाला हूँ। अगर बात की जाए दमदम स्टेशन का तो इसका स्टेशन कोड है DDJ और सियालदह स्टेशन से एक स्टेशन जस्ट आगे है। आप सियालदह से दमदम आएंगे तो बीच में आपको विधान नगर पड़ेगा, इसके बाद सेकेंड जो स्टॉप है वो दमदम से है और यहीं से मैं ट्रेन में बोर्ड करूंगा और आगे का अपडेट आपको दिखाऊंगा कि लोकल ट्रेन में जर्नी करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है लोकल ट्रेन में। आपने बहुत सारा ब्लॉग देखा होगा स्पेस का, लेकिन लोकल का ब्लॉग भी एक बार देख लीजिए कि कैसा लगता है। तो आज आपका भाई आपको लोकल ट्रेन का ब्लॉग बना कर देने वाला है। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा, एंड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। गाइज मैं बनगांव लोकल में सियालदह स्टेशन से ही बोर्ड करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दमदम से सियालदह की अभी फिलहाल कोई ट्रेन नहीं है, तो इसके लिए मेरे को यहीं से बोर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि बनगांव लोकल की जो टाइम है सियालदह में 4:55 में है सुबह में, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30 बज रहा है। तो प्रॉब्लम है गाइस, कोलकाता की जो लोकल ट्रेन है उसे ऐसे ही कोलकाता की लाइफ लाइन नहीं कहा जाता है, क्योंकि कोलकाता की जो लोकल ट्रेन है उसमें पर डे 3.5 मिलियन पैसेंजर बोर्ड करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है अपने आप में। गाइस हम लोगों की जो ट्रेन है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, हम लोग का ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। गाइस हम लोग ट्रेन में बोर्ड कर चुके हैं और हमारी ट्रेन यहाँ से अब थोड़ी ही देर में डिपार्ट करने वाली है, क्योंकि इसका स्टॉपेज टाइम मात्र 10 से 15 सेकंड का होता है पर स्टेशन पे। गाइस ये थी लोकल ट्रेन और अब मैं दिखाता हूँ आपको इस लोकल ट्रेन की इंटीरियर के लोकल ट्रेन कैसा होता है, इसका इंटीरियर कैसा होता है और सीट कैसा होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका लोकल का इंटीरियर कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीट कुछ इस तरीके से होता है। इसके सीट जो होते हैं फाइबर के होते हैं लगभग लकड़ी के, और सर सीट पर पर्दे बनाए जाते हैं और ज़्यादा भीड़ होने के बाद हाथ से पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है जब ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो, और इस तरह का इंटीरियर होता है लोकल का। सो अभी तो थोड़ा सा रात है, अभी तो बाहर का कुछ व्यू नहीं दिखा पाऊँगा आप सबको, लेकिन जैसे ही सुबह होगी तो आप सबको कुछ अच्छा सा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, तब तक वेट कीजिए। जितने भी सारे लोकल ट्रेन होते हैं उनका होल्डिंग टाइम लगभग 15 से 10 सेकंड के आसपास में होता है, और ये जो ट्रेन होते हैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते, इनका एक के बाद एक स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में ही एक के बाद एक स्टेशन आते हैं,
और इनका होल्डिंग टाइम भी बहुत ही कम है, 15 से 10 सेकंड के आसपास में। सो अगर आपका स्टेशन आता है, आपका डेस्टिनेशन आता है, तो आपको पहले ही गेट पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपका ट्रेन वापस फिर से चालू हो जाएगा, तो आप ट्रेन में ही रह जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने में एक और लोकल लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, और ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। तो गाइस हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है ठाकुर नगर, और इस ट्रेन ने अब तक 62 किलोमीटर को कवर कर लिया है लगभग 1 घंटे 30 मिनट के आसपास में। अगर इस ट्रेन की स्पीड के बारे में बात की जाए तो इसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलती है। और अभी इसका डिपार्चर का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉप यहाँ ज़्यादा देर का नहीं होता है लोकल ट्रेन का, मात्र 10 से 15 सेकेंड, उससे भी कम, तो नीचे उतरना नहीं है।
सो गाइस फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है बनगांव जंक्शन ऑन द टाइम। इसने ज़रा सा भी लेट नहीं किया क्योंकि ये लोकल है, इनको सबसे पहले रास्ता दिया जाता है। ऑन द टाइम में करेक्ट पहुंची है, डेढ़ घंटा के अंदर में, लगभग डेढ़ घंटा से मतलब 1:45 एक घंटा 45 मिनट के आसपास में ये ट्रेन बनगांव पहुँच चुकी है। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।